कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत
इसी का परिचय, इसी का निरंतर अनुभव, इसी में रचे पचे, तो क्या चिंतन क्या परिणाम में आएगा? वही आएगा। तो ये सारा व्यावहारिक बहिर्दृष्टि वाला कथन और ऐसा मानने के कारण बहुत गहराई में बैठा, लेकिन वो वस्तु स्वरूप नहीं है, वस्तु स्थिति नहीं। और जब उसके सामने वस्तु स्थिति बताते हैं तो आसानी से स्वीकार नहीं होता है, तब वो वस्तु स्थिति बताने वाला पागल लगने लगता है, गलत लगने लगता है। जबकि ये आगम की बात है, जिनवाणी की बात है, कुंद आचार्य देव की बात है, इसलिए उसी तरह से इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वस्तु स्थिति को वस्तु स्थिति के अनुसार जानकर, मानकर, पहचानकर फिर लोक व्यवहार में जो प्रचलित हो लौकिक दृष्टि से करो कहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात कदाचित उस बात को तो उड़ाया जा सकता है, बिल्कुल निषेध नहीं, लेकिन इस बात का तो निषेध भी नहीं किया जा सकता, ये वस्तु स्थिति वस्तु स्वरूप है। इसलिए जिनाहु मदम कहा। और अब सत्यासीवी गाथा से लेकर के एक जो नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ये वैसे तो पूरे 87 लेकर 97 तक जो प्रकरण है उसे कर्तृत्व का मूल अज्ञान, ये प्रकरण नया प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इसका प्रारंभ जो किया है वो इस बात से किया है कि मोह राग द्वेष के परिणाम, मिथ्यात्वादी के भाव, ये किसके हैं? जीव के हैं कि जड़ हैं, अजीव के हैं, किसके हैं? पहले आपने कह दिया था कि ये तो सब पुद्गल के परिणाम है, इसलिए अचेतन है, जड़ है, अजीव है। यदि अजीव है तो इनका परिणाम तो जीव को भोगना पड़ता है, मोह राग द्वेष से जीव आकुल व्याकुल होता है, दुखी होता है। यदि जड़ पुद्गल के हैं तो जीव को इनका परिणाम क्यों भोगना पड़ता है? और यदि जीव के हैं तो फिर इनका निषेध क्यों करते हो, पुद्गल का क्यों कहते हो? तो ये दोनों तरफ की बात को लेते हुए तो 87 और 88 गाथाओं में ही बात की गई है, ये है क्या, जीव के हैं कि अजीव के हैं। कल हमने मूल गाथाएं पढ़ ली थी जो कल उपस्थित थे, इसलिए हम आज गाथाओं पर चर्चा न करते हुए सीधे टीका से चर्चा प्रारंभ करेंगे, लेकिन गाथा का पाठ जरूर करेंगे पहले। तो गाथा का पाठ सुनील जी जुड़े हैं आज, हाँ तो आप देख लीजिए कोई इनमें से गाथा पाठ कर रहे हो। 87-88 गाथा। निच्छन्तं पुनर्दुविहं जीवमजीवं तहेव नाणं अविरदिजोगो मोहो कोहादियाये मे भावा पोगलकम्मं मेच्छं जोगो अविरदियणाणमजीवम् उवाओगो अन्नाणम् अविरदिमिच्छं च जीवोदु मिथ्यात्वविरतिजोगमोहज्ञान अर्कसाय है ये सभी जीवा जीव है ये सभी द्विविध प्रकार है मिथ्यात्व आदि अजीव जो वे सभी पुद्गल कर्म है मिथ्यात्व आदि जीव है जो वे सभी उपयोग है। आचार्य कुंद देव ने तो स्पष्ट उत्तर ये दे दिया कि ये दो प्रकार के हैं, मिथ्यात्वादी सभी भाव, मिथ्यात्व अविरति योग मोह अज्ञान कषाय, ये सभी दो प्रकार के हैं। और कौन से दो प्रकार हैं? जीव और अजीव। अरे मिथ्यात्व दो प्रकार का, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व, ऐसे ही मोह राग भी सभी दो दो प्रकार के हैं।
तो कैसे दो प्रकार से होंगे, किस किस तरीके से दो घटित किए जाएंगे? यदि वो पौद्गलिक कर्म है, जड़ कर्म है, अर्थात पुद्गल कर्म की प्रकृति, प्रकृति कहते ही स्वभाव को है, तो इसका मतलब ये जड़ कर्म के स्वभाव है। मिथ्यात्वादिक मूल प्रकृतियां आठ कहलाती हैं, ज्ञानावरणादिक, तो उसमें मोहनीय है, मोहनी में दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है। दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व कर्म, वो पौद्गलिक, वो अजीव मिथ्यात्व है। ऐसे ही चारित्र मोहनी में जाएंगे तो क्रोध मान माया लोग उसके भेद आएंगे। वहां जो क्रोध रूपी कर्म की प्रकृति है चारित्र मोहनी की, वो जड़ है, अचेतन है, अजीव है, पुद्गल की है, वो अजीव क्रोध है। फिर जीव मिथ्यात्व क्या है? उपयोग का मिथ्यात्व रूप परिणमन, उपयोग में जो मिथ्यात्व रूप परिणमन हो रहा है, उपयोग में मिथ्यात्व रूप परिणमन क्या होगा? उल्टी मान्यता। तो ये जो उपयोग में उल्टी मान्यता हो, तो उपयोग तो ज्ञान दर्शन का होता है, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग, और उल्टी मान्यता तो श्रद्धा में होती है। तो यहां जीव का उपयोग माने जीव में, जीव के परिणामों में, तो उपयोग रूप जो है, जीव के परिणाम रूप जो है, उसे जीव मिथ्यात्व कहेंगे। ऐसे जीव के परिणामों में जो क्रोध आता है भावों में, वह जीव क्रोध कहलाएगा। उपयोग, इसलिए उपयोग का, जीव के परिणाम रूप को उपयोग कह दिया। जो उपयोग रूप है वो जीव मिथ्यात्व, जीव क्रोध, जीव अज्ञान, जीव योग, ये सभी जीव अविरति, इस रूप में उसको जीव के रूप में कहा गया। जीव के विकारी परिणाम, लेकिन जब कर्म की प्रकृति है, कर्म का स्वभाव है, तो जीव में कहां से आ गया? जीव में कैसे हुआ? जीव ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? इस गाथा में तो एक दृष्टांत देख करके इसको स्पष्ट करेंगे। अजीव में कैसे है, जीव में कैसे हुआ, इसे मोर और दर्पण के दृष्टांत के माध्यम से टीका में अमृतचंद्र आचार्य स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसे तो वस्तु स्वरूप है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में से आया है, जैसे शरीर की संरचना अंदर क्या क्या है वो तो स्पष्ट वैसी दिखती नहीं है। आजकल तो बहुत सारे खोज ऐसे हो गए, ऐसी मशीनें आ गई कि वो अंदर का सभी आपको एक्सरे में और क्या क्या चीजें हैं जिसके माध्यम से दिखता है, और स्क्रीन पर देख देख करके भी उसे इलाज करना होने लग गया। लेकिन पहले जमाने में ये कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर की सारी संरचना, तो आयुर्वेद जो पुराना शास्त्र समझ लीजिए, चिकित्सा शास्त्र है पुराना, तो उसमें भी ये सारी संरचना तो लिखी है, बताई है, और उसके आधार से सभी प्रकार से इलाज किए जाते थे। तो अंदर की शरीर की संरचना, चलो शरीर की संरचना तो जैसे क्या डिटेक्शन क्या कहलाता है, चीर फाड़ करके देखा जाता है ना, डॉक्टरी में जो जाते हैं, आजकल तो सब कृत्रिम आ गए, वहां पर भी अब तो चीर फाड़ की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां भी सब कृत्रिम दिखाने लग गए। लेकिन पहले वो चीर फाड़ करके ही देखा जाता था, दिखा देते थे, तो हो सकता है भी ये किसी एक की बॉडी पूरी खोल करके और देख ली वो अंदर क्या क्या है और फिर उसको लिख दिया होगा, तो वो भी ठीक है। लेकिन आत्मा तो अमूर्तिक है, जीव के विकारी भाव दिखते ही नहीं है, फिर मिथ्यात्व कैसे हो रहा है, क्रोध कैसे हो रहा है, हुआ कैसे? यानी ये सूक्ष्म परिणामों का विश्लेषण, जैसे ऑपरेशन करते हैं बारीक बिल्कुल, वैसे ये परिणामों का ऑपरेशन करके उसका विश्लेषण किया है। ये अपने आचार्यों की विशेषता है, हमारे परिणाम होते कैसे हैं, हुए कैसे, होते कैसे, हुए कैसे, किसके हम क्या मानते हैं, और ये बताने के पीछे मुख्य उद्देश्य तो भेद विज्ञान का है। तो उसमें से विपरीतता क्या हुई और भेद विज्ञान कैसे करना, ये सारी चर्चा इसमें आएगी। टीका में तो भेद विज्ञान की चर्चा इतनी नहीं होगी, हम जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ भी पढ़ेंगे
और पूज गुरुदेव श्री का संक्षिप्त उद्धरण जो दिया हुआ है उसमें भी पढ़ेंगे, तो उससे वह हुआ कैसे और उससे भेद विज्ञान कैसे करना, ये सारी चर्चा अपन देखेंगे। चलिए संस्कृत टीका से अपन देखते हैं। पहले तो जीव और अजीव इनका विभाजन करते, कैसे हुए जीव में, कैसे हुए अजीव के, कैसे हैं, इन दोनों की पहले चर्चा करते हैं। अभी गाथा में तो बहुत सारे भावों की बात की थी, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, मोह, क्रोधादिक, ये बहुत सारे भावों की बात की थी। लेकिन अब टीका में तीन भाव पकड़ करके चलते हैं, और ये 97 गाथा तक भी वो चलते रहेंगे। तीन कौन से तीन हैं, देरे वहीं से प्रारंभ ही करते हैं। सबसे पहले उन्हीं की बात कर रहे हैं, मिथ्या दर्शनम, अज्ञानम, अविरति इत्यादयो ही भावा। ये तीन भाव लेकर के चलते, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। क्यों तीन ही भाव लेके क्यों चलते हैं, और बहुत सारे भाव है ना, बहुत सारे विकार है, प्रकृतियां भी बहुत सी हैं, इतने ही भाव लेकर के क्यों चलते हैं, मूल पकड़ करके चल रहे हैं। क्या मोक्ष का मार्ग क्या है, तत्वार सूत्र का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इतना सा मोक्ष मार्ग है। इन्हें बहुत सारे भाव होते हैं, और भी बहुत सारे संवर के कारण में भी बहुत होते हैं। क्या क्या है संवर के कारणों में, सगुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय, चारित्र, बहुत सारे होते हैं, अकेला आपने बस्ती नहीं, सब आ गया इन तीनों में, मूल में सब आ गया। जैसे मुक्ति के मार्ग में तीन में सब आ गया, मूल आ गया एक तरह से, ऐसे इसके विपरीत संसार मार्ग। तो संसार मार्ग भी क्या है, कितना है, तो इसके विपरीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। हाँ, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वो संसार का मार्ग है, उसमें सब आ गया। यदि उनको विभाजन करना चाहो, जो अज्ञान अविरति इन सब, अज्ञान तो ले लिया इसमें, अविरति, अविरति भी ले ली, मिथ्या दर्शनम, अज्ञानम, अविरति, क्या छोड़ा, क्रोध मोह छोड़ दिया। तो मोह शब्द सामान्य लेते हैं, मोह राग द्वेष तो दोनों में विभाजित हो गए, मोह में मिथ्यात्म और अविरति में विभाजित हो गया सामान्य लेते हो, और विशेष करके मोह अकेला दर्शन मोह मिथ्यात्व को ही लेते हो तो मिथ्यात्व में चला गया। चारित्र मोह का भेद करके राग द्वेष लेते हो तो अविरति में चला गया, इस तरह से उसका विभाजन करना। और क्रोधादि, क्रोध मान माया लोग, वे कहाँ चले गए, अविरति में चले गए, कषाय से संबंधित होने से उसको अविरति के अंतर्गत शामिल कर लिया, और अज्ञान तो अलग से कह दिया। योग, इन सब के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होना वो सामान्य रूप से ले लिया, या मन वचन काय की प्रवृत्ति इनके निमित्त से होती है तो इस सब में उसको शामिल कर लिया। तो तीन को मूल रूप से पकड़ लिया, मिथ्या दर्शनम, अज्ञानम, अविरति इत्यादयो ही भावा। ते तो प्रत्येकम मयूर मुकुरंदवत जीवा जीवाभ्याम भाव्यमानत्वात् जीवा जीवौ। ते तु प्रत्येकम, वे प्रत्येक माने एक एक, यानी मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, एक एक को पकड़ लेना। तो ये सभी प्रत्येक भी कैसा होता है कि वह मोर और मुकुरंद माने दर्पण, मयूर, मोर, मुकुरंद, दर्पण, मोर और दर्पण की तरह। अब इस दृष्टांत को तथाई कह करके स्वयं आचार्य स्पष्ट कर रहे हैं आगे, यहां तो अकेला इशारा दे दिया, मोर और दर्पण की तरह उदाहरण का स्पेस उल्लेख किया है। जीवा जीवाभ्याम भाव्यमानत्वात् जीवा जीवो, जीव और अजीव के द्वारा भाव्यमान माने क्या, भाए जाने से, भाए जाने से माने अच्छे लगने से, माने जीव को भाते हैं, अजीव को भी भाते हैं, तो भाए जाने से, तो भाए जाने वो भाव्यमान है इसलिए भाए जाते हैं ऐसा शब्द दिया, लेकिन उसका भाव ये लेना है। जैसे भाव्य किससे बना होगा, किस धातु से बना होगा, भू धातु से, और भू धातु किस अर्थ में आती है, होने के अर्थ में। तो भाव्यमान का अर्थ क्या लेना, होने योग्य, माने जिससे हो रहे हैं, जीवा जीवाभ्याम भाव्यमानत्वात्,
जो जीव के द्वारा हो रहे हैं वो ने जीव समझ लेना, और अजीवाभ्याम, अब वो तो द्विवचन दो होने से जीवा जीवाभ्याम लगा दिया, एक एक लगाएंगे तो जीवे न भाव्यमान, जीव के द्वारा होने योग्य है, जीव के द्वारा हो रहे हैं, जिसका साधन जिसका करण जीव है वो जीव कहलाएंगे, और अजीवे न भाव्यमान, अजीव के द्वारा हो रहे अजीव में होने योग्य है वे अजीव हो जाएंगे, इसलिए दोनों के द्वारा। कैसे? मोर और दर्पण की तरह। तभी तो ये मात्र उदाहरण का उल्लेख किया, कैसे मोर और दर्पण की तरह, अब वो स्पष्ट करते हैं आगे, तथा ही कहकर के उदाहरण का पूरा खुलासा करते हैं। यथा नील हरित पीतादयो भावा, नील हरित पीतादयो भावा स्वद्रव्य स्वभावत्वेन मयूरेण भाव्यमाना मयूरेव। एक मोर को खड़ा करो, कहाँ खड़ा करो, यहाँ सामने, अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो यहाँ लाना पड़ेगा, तो लेकर क्या है यहाँ पर, क्या जरूरत है लाने की, सब ला सकते हैं, कहाँ, अपने चित्त में, अपने उपयोग में, सबने देखा है, कोई बैठा है यहाँ पर ऐसा जिसने मोर नहीं देखा हो? अरे वैसे नहीं देखा होगा जंगल का, चिड़ियाघर में तो जाके देखा होगा, कदाचित चिड़ियाघर में भी नहीं देखा होगा, चित्र में तो देखा होगा। अब चित्र में देखना उससे अच्छा तो टीवी में कहो, टीवी में देखा होगा, मोबाइल में देखा, कहीं ना कहीं देखा तो है निश्चित रूप से, उसको याद करो, स्मृति में लाओ, अब उसका विचार करो। कौवा कौन से रंग का होता है? बगुला, हाजी सफेद, और पैरेट, तोता, तोता अच्छा, और मोर, मोर का रंग बताओ कौन सा, हिस्तमन कलर, सब सारे सारे वर्ण है उसमें ना, सारे वर्ण है। वो पूरे मोर को भी नहीं देखो ना, पूरे मोर को नहीं देखो, अकेला मोर का एक पंख, मोर पंख मयूर पंख ही कहलाता है वो विशेष रूप से, और उसमें ही कितने रंग होते हैं, अकेले उस एक एक पंख में भी कितने वर्ण। लेकिन यहाँ तीन ही पकड़े, कौन कौन से, नील हरित पीतादयो भावा, नीला हरा पीला, और मुख्य रूप से चमकता हुआ भी दिखेगा, आप उसको देखोगे पंख को भी देखोगे तो नीला पीला हरा दिखा दिखेगा भी उसमें से, और आदि कह करके और भी ले लिए उसमें से, तो नील हरित पीता दया। अच्छा ऊपर भी तीन तो पकड़ लिए, मैंने उनको छोड़ दिया ऐसा नहीं है, मिथ्या दर्शनम अज्ञानम अविरति, साथ में क्या दिया, आदया इत्यादि, तो वो भी सब विस्तार में जाएंगे, विशेष में तो वे भी सब आएंगे। तो यहां भी कहते नील हरित पीत, क्यों तीन पकड़े, तो मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति तीन मुख्य रूप से लेना है, इसलिए नील हरित पीता, ये भाव, भाव माने वर्ण की मुख्यता से, ये भाव किसके हैं, ये किसको अपन याद कर रहे हैं, मोर को। क्यों है मोर में ये भाव, ऐसा क्यों? अब कहते ये तोता हरा क्यों होता है, कौवा काला क्यों होता है, तो क्या कहोगे, स्वभाव है उसका, ऐसा ही है, नेचर प्रकृति कहोगे ना, नेचर प्रकृति माने वह स्वभाव ही होता है। तो ये भाव मोर के द्वारा मोर में होने से, कि क्यों, स्वद्रव्य स्वभावत्व ना, अब यहाँ आप वो छह द्रव्य, अब छह द्रव्य में से कौन सा द्रव्य है, उसका क्या स्वभाव है, उसमें नहीं जाना उदाहरण में, अभी मोर को एक द्रव्य के रूप में लिया। अब मोर के वे वर्ण ऐसे क्यों है, मोर ऐसा क्यों होता है, स्वभाव है मोर का, तो स्वद्रव्य स्वभावत्व ना, उसके द्रव्य का ऐसा स्वभाव होने से, ऐसा भाव होने से, मयूरेण भाव्यमानः, मयूर के द्वारा भाए जाने से, माने मयूर के द्वारा होने से, मयूर में होने से, मयूर में होने योग्य होने से, उसे क्या कहेंगे, ये कौन है, कि मयूर ये मोर ही है, ऐसा कहा जाएगा। अभी एक तरफ तो ये मोर की बात की, अब आगे यथाच, दूसरी बात, एक पहली बात हुई, दूसरी बात, यथाच नील हरित पीतादयो भावा स्वच्छता विकार मात्रेण मुकुरंदेन भाव्यमाना मुकुरंद एव।
और दूसरी तरफ अब उस मोर को लेकर के चलो एक दर्पण के सामने। ले गए सब? ले गए कि नहीं? अब देखो वो एक दर्पण में मोर दिखाई दे रहा है। अब वो जो दर्पण में मोर दिखाई दे रहा है वहां भी नीला पीला हरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा दर्पण के अंदर? अब वो जो दर्पण के अंदर दिख रहा है नीला पीला हरा, ये किसका, ये किसका भाव है? मोर का। मोर तो बाहर खड़ा है, दर्पण के अंदर गया ही नहीं है, किसका है वो? अरे मुकुर अंधेन भाव्यमान, वह दर्पण के द्वारा ही भाए जाने योग्य है। अरे दर्पण का ही उस प्रकार से परिणमन हुआ है। दर्पण का परिणमन ऐसा कैसे हुआ? उसके लिए एक शब्द दिया, स्वच्छता विकार मात्र न। स्वच्छता के विकार मात्र से, यहां विकार का अर्थ क्या? विकार माने, विकार माने विभाव, विकृति, या विकृति के अर्थ में नहीं लेना है। दर्पण की स्वच्छता उसकी विकृति नहीं है, तो क्या है वो? विशेष कार्य है ये, आने लकड़ी में नहीं हो, पत्थर में नहीं हो, लेकिन दर्पण की एक विशेष कार्य है, इसके इस अर्थ में लेना। तो दर्पण की जो स्वच्छता रूपी विशेष कार्य है, स्वच्छता विकार मात्र ही ना, वो स्वच्छता का ऐसा विशेष कार्य होने से वे नीले पीले हरे वहां होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वह भाव्यमाना, मुकुरंदेन भाव्यमाना, दर्पण के द्वारा भाए जाने योग्य, दर्पण में होने, दर्पण में होते हुए दिख रहे हैं, वे क्या है? सीधा सीधा है, मोर के हैं कि दर्पण के हैं, ये पूछा जाए तो कहा, कहना पड़ेगा कि दर्पण के ही है, क्योंकि मोर से उसने कुछ नहीं लिया है। यहां भी दोनों शब्दों पर भी सब भाव ध्यान दे, जब मोर में हो रहे हैं ना, वहां तो लिखा मयूरेन भाव्यमाना, वहां लिख रहे स्वद्रव्य स्वभावत्वेन भाव्यमाना, वो उसके स्वभाव है, स्वभाव रूप से हो रहे वहां पर। और दर्पण में हो रहे हैं तब क्या कह रहे हैं? दर्पण का स्वभाव नहीं है। आपसे पूछा जाए, जैसे ये कहा ना कौवा कैसे होता है, बगुला कैसे होता है, पूछा ऐसे पूछा जाए दर्पण कैसा होता है, तो क्या वर्ण की ओर से आप बताओगे दर्पण कौन सा रंग का बताओगे? नहीं होता ही नहीं उसका वर्ण कोई, तो क्या कहेंगे कि स्वच्छ होता है? ये कहना पड़े उसका स्वच्छता, स्वच्छता रूप है। अब स्वच्छता रूप है फिर उसमें नीला पीला हरा कैसे दिख रहा है, कहां से आया फिर नीला पीला हरा पड़ा, कहां से आया? कि मोर खड़ा है ना सामने, तो मोर में से उसने कुछ नहीं लिया है, फिर कहां से आया? इसको कहते हैं स्वच्छता विकार मात्र, उसके स्वच्छता का ही विशेष कार्य है। और इस स्वच्छता का मैंने उसे प्रतिबिंबित करने की वो स्वच्छता कह रहे हैं। स्वच्छता माने अकेला स्वच्छ है ऐसा नहीं, निर्मल है ऐसा नहीं, बल्कि प्रतिबिंबित करने की विशेष, उसे स्वच्छता कह रहे हैं। उसकी वह स्वच्छता का प्रतिबिंबित करने का जो उसका विशेष कार्य है, उस प्रतिबिंबित करने के उस विशेषता के कारण से दर्पण के द्वारा ही होने योग्य है। तो दर्पण में हो रहे हैं, दर्पण स्वयं उस समय उस रूप हो रहा है, और इसलिए वह दर्पण ही है, मोर का उसमें कुछ भी नहीं है। वंदर का काला पीला नीला कांच का परिणमन ही एक तरह से कांच में हो रहा है, और इधर का है वो तो बिल्कुल मोर का है, मोर का अंग, मोर का शरीर, मोर के अवयव रूप से होने योग्य है। तीसरे ते कहेंगे मोर, और उसे काला पीला नीला पिना दर्पण के द्वारा होने से उसे दर्पण ही कहना पड़ेगा। ये दो तरह सीधा बंटवारा कर रहे हैं, ये उदाहरण दे दिया। अब इसी से जीव अजीव निकालते हैं। अब इसमें अभी तो अपन सिद्धांत पर उसे घटित करेंगे, लेकिन थोड़ा विचार करो इसमें से जीव की तरफ उदाहरण में से किसको लगाया होगा और अजीव की तरफ किसको लिया होगा? मोर और दर्पण, इसमें से कौन जीव कौन अजीव, कौन जीव और कौन अजीव? ना वैसे तो मोर जीव है और दर्पण अजीव है, लेकिन उदाहरण ऐसा नहीं बनेगा, और दर्पण अजीव के, मोर अजीव के स्थान पर जाएगा और दर्पण जीव के स्थान पर जाएगा, कैसे? इसलिए फटाफट ऐसे नहीं लगा लेना जीव अजीव है तो मोर जीव है दर्पण अजीव है। उदाहरण किस रूप में ले रहे हैं उस रूप से उसे लेना पड़ेगा। देखिए
ये दोनों यथा यथा चल रहे थे, यथा यथा, यथा मयूरेन भाव्यमाना, यथा मकुरंदेन भाव्यमाना, तथा कह करके जीव अजीव में घटित करते हैं। तथा मिथ्या दर्शनम अज्ञानम अविरति इत्यादयो भावा स्वद्रव्य स्वभावत्वेन अजीवेन भाव्यमाना अजीवैव। उसी तरह से मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति इत्यादि जो भाव स्वद्रव्य स्वभावत्वेन भाव्यमाना अजीव के द्वारा, अजीवेन भाव्यमाना, अजीव के द्वारा जो भाए जा रहे अर्थात अजीव में हो रहे हैं, और स्वद्रव्य स्वभावत्वेन कैसे, वो पुद्गल है, पुद्गल की बहुत सारी वर्गणाएं हैं, उन वर्गणाओं में कार्मन वर्गणा है, कार्मन वर्गणा का जब जीव के निमित्त से कर्म रूप परिणमन हो जाता है तब वो प्रकृति, प्रकृति बंध होता है ना, उस प्रकृति बंध में ज्ञानावरण दर्शनावरण ऐसे मूल प्रकृति रूप विभाजन हो जाता है, और फिर उनका ही उत्तर प्रकृति हो जाती है, तब वो जो मोहनीय है उसमें मिथ्या दर्शन हो जाता है, ज्ञानावरण के उदय से अज्ञान रूप परिणमन, ये सारा, ये कह रहे वो कर्म की ये प्रकृतियां हैं, तो पुद्गल के स्वभाव है, पुद्गल में पड़े हुए हैं, तो स्वद्रव्य स्वभावत्वेन पुद्गल का ऐसा स्वभाव होने के कारण से वो कार्मन वर्गना रूप होना, ये सब उसके स्वभाव में पड़ा हुआ है, तो उसके स्वभाव में पड़ा होने से वो उसी के द्वारा होने योग्य है, अजीव है, पुद्गल अजीव है, अचेतन है, तो अजीवेन भाव्यमाना अजीव के द्वारा होने योग्य। अब ये जो जड़ कर्म की प्रकृतियां हैं उनको जीव कहोगे कि अजीव कहोगे, इसलिए अजीवेन भाव्यमाना अजीव के द्वारा होने योग्य होने से अजीव एव। जैसे बाहर खड़ा मोर, उसमें नीला पीला पना मोर का स्वभाव है, इसलिए मोर में हो रहा है तो उसको मोर कहेंगे, ऐसे पुद्गल की कारमान वर्गणाएं कर्म की प्रकृतियां, वो कर्म का स्वभाव है, इसलिए उसमें जो कर्म की प्रकृतियों में मिथ्या दर्शन अज्ञान आदि है वो अजीव के द्वारा होने योग्य होने से अजीव कहा जाएगा। अब दूसरी तरफ जैसे मोर को दर्पण के सामने लाकर खड़ा किया, ऐसे अब इन कर्म प्रकृतियों को जीव के सामने लाकर के खड़ा करो, फिर क्या होता है, देखिए, तथा ये तो अजीवा ये हो गया, तथई वच मिथ्या दर्शनम अज्ञानम अविरति इत्यादयो भावा चैतन्य विकार मात्रेण जीवेन भाव्यमाना जीवैव। अब चैतन्य के विकार मात्र से, अब यहां चूंकि मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति ये विकार है, ये विभाव है, इसलिए चैतन्य के विभाव रूप से भाए जाने वाले तो यहां विभाव कह सकते हो, लेकिन यहां भी उस विभाव उस विकृति के रूप में मत लो इसे। ये कहते जीव का भी ऐसा स्वभाव है, कैसे जीव का स्वभाव कैसे है तो अभी थोड़ा ख्याल में भी नहीं आया, तो अभी अपन जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ेंगे उसमें और ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। ये जो प्रकृति है कर्म की, ये उदय में आकर के जीव के उपयोग के सामने आती है, और जैसे उधर दर्पण की स्वच्छता होती है तो दर्पण के सामने जो भी पदार्थ आता है वो दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, और उस समय दर्पण में वैसे ही काला पीला नीला दिखाई देता है, ऐसे ही ये कर्म का उदय जैसे सामने आता है, जैसे दर्पण की स्वच्छता है ऐसे उपयोग की भी ये स्वच्छता है, जैसे दर्पण सामने वाले को प्रतिबिंबित करता है ऐसे उपयोग की भी इसकी प्रतिबिंबित करने की विशेषता है, इसलिए ये जीव के विकार मात्र पने से अब ये स्वभाव नहीं है, इसलिए मैंने वो स्वभाव शब्द के लिए कहा था, यहाँ ये स्वभाव नहीं है, मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति जीव के स्वभाव रूप से भाए जाने योग्य नहीं है, दर्पण में काला पीला नीला स्वभाव से भाए जाने योग्य नहीं है, उसके स्वच्छता का कार्य, ऐसे उपयोग की विशेषता है कि कर्म के उदय का लक्ष्य करता है तो उसमें इधर मिथ्यात्व का उदय चल रहा है तो इधर मिथ्या दर्शन होगा, उधर अज्ञान का उदय चल रहा है तो इधर अज्ञान होगा, अविरति का उदय चल रहा है अविरति, क्रोध का उदय चल रहा है तो क्रोध, ये उपयोग में झलकेगा। अब उपयोग में जो हो रहा है जैसे दर्पण में होने वाले को अपन ने दर्पण का कहा, ऐसे यहाँ उपयोग में जो हो रहा है उसको किसका कहेंगे,
उपयोग जीव का है, तो जीव के द्वारा होने योग्य, जीव में होते हुए जीव के द्वारा भाए जाने वाले ये भाव किसके होंगे, कहते जीव के हैं। लेकिन बस यहां इतना सा भेद विज्ञान का संकेत तो दे दिया, वो जो प्रकृतियां कर्म की है उससे तो कहा स्वद्रव्य स्वभावत्वेन, माने पुद्गल का तो स्वभाव है, लेकिन जीव में हो रहे हैं वो जीव का स्वभाव नहीं है, जीव के स्वच्छता का विशेष कार्य है, और स्वच्छता के विशेष कार्य के कारण से इसमें झलक रहे हैं और उसका लक्ष्य करके जीव वैसा हो रहा है, लेकिन जीव में जब हो रहा है तब वह कहलाएगा जीव। इस तरह से अजीव और अजीव और मोर और दर्पण के दृष्टांत से इस प्रकार से स्पष्ट किया। अब इसमें फिर पुनः जीव और अजीव को एक और ये 87 गाथा की टीका हुई है, 88 गाथा की टीका और दो पंक्तियां पढ़ते हैं इसमें, दो वाक्यों में। यह खलु मिथ्यादर्शनम अज्ञानम अविरति इत्यादि अजीवः तद अमूर्तात् चैतन्य परिणामात् अन्यत् मूर्तम पुद्गल कर्म। हाँ, यहाँ ये कहना चाहते हैं अजीव में जो होने योग्य अजीव रूप हो रहे हैं ना वे पुद्गल कर्म, कर्म की वर्गणाएं हैं इसलिए से पुद्गल कर्म। यह खलु मिथ्यादर्शनम अज्ञानम अविरति इत्यादि अजीवः, ये जो जितने अजीव है वे सब क्या है अजीवः, तद अमूर्तात् चैतन्य परिणामात् अन्यत्। दो विशेषता पकड़ रहे हैं, जीव कैसा है, चैतन्य है और अमूर्तिक है, तो चैतन्य और अमूर्तिक इससे अन्य, अमूर्तात् चैतन्य परिणामात् अन्यत्, अमूर्तिक चैतन्य ऐसा जो जीव का परिणाम जीव का स्वभाव उससे अन्य ऐसे मूर्तम पुद्गल कर्म, मूर्तिक पुद्गल कर्म है, माने वो सब जीव कर्म की प्रकृतियां हैं, एक तो मूर्तिक है भले हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, ये तो हमारी आंखों की कमजोरी है, हमारी कमजोरी है दिख नहीं रही है, लेकिन उन सब में स्पर्श रस गंध वर्णादिक सभी उसमें मौजूद है कर्म में, इसलिए वो मूर्तिक है, और दूसरा जड़ तो है ही, पुद्गल है तो अचेतन तो ही, चैतन्य पने से रही तो सब मूर्त पुद्गल कर्म है, पौद्गलिक कर्म रूप से है, अजीव है पुद्गल कर्म है। यस्तु मिथ्यादर्शनम अज्ञानम अविरति इत्यादि जीवः, जीव में जो परिणाम हो रहे थे ना, स मूर्तात् पुद्गल कर्मणः अन्यः, वह भी मूर्तिक पुद्गल कर्म से अन्य चैतन्य परिणामस्य विकारः, चैतन्य परिणाम का विकार है। अब इसको आप कह सकते हो विकृति विभाव है, ऐसा कह सकते हो, चैतन्य परिणाम का विभाव है विकृति। दर्पण को भी कह सकते हो, दर्पण में काला पीला नीलापना जो दिख रहा है वो उसका स्वभाव तो स्वभाव तो स्वच्छ होता है, लेकिन जब वो दिख रहा है तो उस समय उस रूप होने से दर्पण मलिन हुआ स्वच्छ हुआ ऐसा कहा जा सकता है वहां, ऐसे ये भी चैतन्य परिणाम के विकार है। यहां भी भेद विज्ञान करा दिया, ये भेद विज्ञान कराया कि वो कर्म के उदय से हुआ ऐसा नहीं है, कर्म के उदय का लक्ष्य तो किया लेकिन जीव में हुआ वो जीव का अपना परिणाम है, कैसा, मूर्तात् पुद्गल कर्मणा अन्यः, मूर्तिक पुद्गल कर्म से अन्य ऐसा जीव का अपना स्वयं का परिणाम है, पुद्गल में से कुछ नहीं लिया, बस जीव की अपनी भूल अपने में हुई और उस भूल के कारण से उसने कर ली, ये सब जीव की विकृति है। तो जीव में हो रहे हैं वो जीव के हैं और पुद्गल कर्म के हैं, कर्म रूप है वह अजीव के है वो पुद्गल कर्म रूप से है, इस तरह जीव अजीव के रूप से इनका विभाजन किया गया है। अब इसे जयचंद जी छाबड़ा बहुत सरल भाषा में स्पष्ट करते हैं कैसे होते हैं, होने के बाद गलती कहाँ हो रही है और उसे सुधारना कैसे, ये भी स्पष्ट करते हैं उसके साथ में, ग्रंथ है तो 105 है तो 105 नंबर पेज पर है और आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। देखिए, पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादी कर्म रूप से परिणमित होते हैं, तो अभी मैंने कहा कारवान वर्गना जीव के निमित्त से, जीव के परिणामों के निमित्त से प्रकृति बंध में मूल प्रकृति रूप परिणमती है, तो उसमें से मोहनी के और विशेष प्रकृतियों में मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रदर्शन मोहनी, तो उसका जो मिथ्यात्व
वह पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि कर्म रूप से परिणमित होते हैं। उस कर्म का विपाक होने पर, अभी एक मिथ्यात्व को मुख्य, मिथ्या दर्शन लिया ना इसलिए उसको मुख्य पकड़ के चल रहे हैं, बाकी ऐसे सब प्रकृतियों में लगा लेना। उस कर्म का विपाक होने पर, विपाक माने उदय होने पर, और उदय होने का अर्थ ही फल देने की शक्ति सहित उदय आता है, फल फल सहित ही उदय आता है। तो विपाक उदय होने पर उसमें जो मिथ्यात्वादी स्वाद उत्पन्न होता है, माने कर्मों में भी आपके सत्ता में पड़े हुए कर्म होंगे ना, वो कुछ नहीं फल दे सकते हैं। अभी हमारे अंदर भी बहुत पाप कर्म, पाप प्रकृतियां पड़ी होंगी ना, लेकिन अभी हम सब स्वस्थ दिख रहे हैं, मजे में हैं, और जब बीमार पड़ेंगे, बहुत भयंकर बीमारी होगी तब, तो वो अभी पाप पड़ा है लेकिन आपको ना बीमार कर रहा है ना तकलीफ दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। कब देगा? कि जब उसका उदय आएगा तब, बिना उदय आए नहीं। आप अभी पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्यों? ज्ञानावरणी तो है अभी बहुत, लेकिन अभी उदय में नहीं आ रही है, और उदय में आए तो फिर नहीं समझ में आने लगेगा, माने वो सत्ता में पड़ा हुआ फल नहीं देता। और वैसे ही फल शब्द भी कहते हैं ना, फलों में भी स्वाद कब आता है, फलों में भी स्वाद कब आता है, कि जब वो पक जाते हैं तब। ऐसे ही कर्म में भी स्वाद माने फल देने की शक्ति कब आएगी, जब वो पकते, पकते माने उनका विपाक फल देने का समय आता है, माने वो फल देते समय ही, और तब उसमें वो स्वाद जो जिसकी प्रकृति है, मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या विपरीत करने रूप से वो उसका स्वाद, इसलिए कह रहे हैं पर उसके उदय का स्वाद, मिथ्यात्वादी स्वाद उत्पन्न होता है। यदि क्रोध होगा तो क्रोध का स्वाद आएगा, मान होगा तो मान का स्वाद आएगा, उस रूप से वह मिथ्यात्वादी अजीव है, वो उसमें होने वाला स्वाद माने उसका भाव क्रोधादि जो भी हो रहा है वो अजीव ही है, क्योंकि उसी में हो रहा है इसलिए अजीव है। अब आगे, कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित होता है, वे विभाव परिणाम चेतन के विकार है इसलिए जीव है। अब उनके निमित्त उधर मिथ्या दर्शन का उदय आया, जीव के परिणाम में आया, और इसमें भी कहेंगे कि जीव के स्वच्छता की ऐसी विशेषता, उपयोग की स्वपर प्रकाशक पने की, इसलिए वो उदय का परिणाम उपयोग में आया। और वो उपयोग में आने पर उस समय अब जीव को विपरीत मान्यता रूप स्वाद आया, माने वो फल मिला, वो विपरीत रूप हुआ, तो जीव में जो मिथ्यात्व का भाव हुआ वो जीव मिथ्यात्व, पुद्गल का उदय वो अजीव मिथ्यात्व, और उसके कारण से जीव विकार रूप मिथ्यात्व रूप से परिणमाय जीव मिथ्यात्व। अब आप भेद विज्ञान कराते हैं, यहां यह समझना चाहिए कि मिथ्यात्वादी कर्म की प्रकृतियां पुद्गल द्रव्य के परमाणु है, जीव उपयोग स्वरूप है, उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है, स्वपर प्रकाशक पने की शक्ति, पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का स्वाद आवे, स्वाद आवे माने वैसा होवे, उसका परिणमन वैसा करे, वैसा भाव अपने में हो, ये स्वभाव है उसका। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है, जैसे कोई दर्पण में मोर दिख रहा हो और उसको ही मोर समझ ले, लेकिन वहां दर्पण की स्वच्छता अलग है और मोर का सिर्फ प्रतिबिंब है, दोनों अलग अलग है, प्रतिबिंब दिख रहा है वो मोर का है, मोर के निमित्त सेवा इसलिए मोर का कहेंगे, और दर्पण की स्वच्छता है तो दर्पण की स्वच्छता और उसको भिन्न नहीं जानता है, वो दोनों को एक मानेगा। ऐसे यहां भी वो कर्म के उदय का स्वाद है और जीव का अपना उपयोग रूप स्वाद है, उपयोग रूप स्वभाव है, इन दोनों को एक मान करके नई मिथ्या दृष्टि हो गया, नई क्रोधी हो गया, नई रागी हो गया, ये एक में एकपना अज्ञानी करता है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण स्वाद का उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वह उस स्वाद को ही अपना भाव समझता है। जब उनका भेद ज्ञान होता है, अर्थात जीव भाव को जीव जानता है, अजीव भाव को अजीव जानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। अब जीव भाव को जीव जानेगा तो किसे जीव जानेगा? जीव में होने वाले मिथ्यात्वादी को, मिथ्यात्व जीव में हो रहे हो तो जीव के भाव है उनको जानेगा ना, कि नहीं, जीव का तो मूल उपयोग स्वभाव है,
वो अपने उपयोग को उपयोग रूप देखेगा तो दिखेंगे नहीं, होंगे ही नहीं। उपयोग को जाना, उपयोग को देखा तो भले ही मिथ्या दर्शन का उदय हो, मिथ्या प्रकृति हो कर्म की, वो कर्म में रहेगी, फिर नहीं दिखेगी। लेकिन दर्पण में तो दिख रहा होगा, तब तो काला पीला नीला ही दिखेगा ना कि नहीं दिखेगा। दर्पण में भी प्रैक्टिस करके देखना, आप जो प्रतिबिंब दिख रहा है उस प्रतिबिंब को नहीं देखना और दर्पण को देखने की कोशिश करना। जब आप दर्पण को देखने की कोशिश करोगे तो दर्पण दिखेगा, और वही होने पर भी वो प्रतिबिंब आपको नहीं दिखेगा, आपने मुख्य किया। ऐसे ही हमारे क्रोध मान माया लोभ के परिणाम कर्म के उदय से चल रहे हैं, लेकिन वो उपयोग में झलक रहे हैं। हम यदि अपने उपयोग को मुख्य करते हैं तो आप हमें उपयोग अर्थात ज्ञान स्वभाव दिखेगा मुख्य होने से, और वहीं होते हुए क्रोधादि परिणाम नहीं देखेंगे। और ज्ञानी यही करते हैं, ऐसा वेद विज्ञान करते हैं। गुरुदेव का उद्धरण भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसमें ज्यादा खुलासा नहीं करेंगे। प्रवचन ही किया है, वही प्रवचन ही है, समझाया है, इसलिए उस पर और प्रवचन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस भावार्थ का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, जीव को अपने मिथ्यात्व भाव का वेदन तो होता है, परंतु जड़ मिथ्यात्व कर्म का वेदन जीव को नहीं होता। माने जीव यदि आकुल व्याकुल भी हो रहा है, वो कर्म के कारण से आकुल व्याकुल नहीं हो रहा है, उसके कारण से अपने में जो भाव किया खुद का, जीव का विकारी भाव रूप, वो विकारी भाव से ही आकुल व्याकुल होता है, कर्म के उदय से आकुल व्याकुल नहीं होता है, उसी का वेदन करता है। आगे तो उदाहरण और देने वाले हैं। ज्ञान में जड़ के रस का ख्याल तो आता है, किंतु अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं जड़ का स्वाद लेता हूं, जड़ की पर्याय रूपी है, वह अरूपी जीव में नहीं आती। ज्ञान जड़ के रस या स्वाद को जानता तो है, परंतु वह जड़ का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। परंतु अज्ञानी इस प्रकार न मानकर जड़ का स्वाद मुझे आया ऐसा मानकर मिथ्यात्व भाव का सेवन करता है। अभी भी बात समझ में नहीं आई होगी, है तो गुरुदेव उदाहरण देख करके समझा रहे हैं। देखो लड्डू खाते हैं, खाते है कि नहीं खाते हैं? अरे बोलो, खाते कि नहीं? अभी रात में नहीं खाते हैं, लेकिन जब खाते हैं तो किसने स्वाद लिया, किसका स्वाद लिया? लड्डू का लिया। यही तो अज्ञानपना है। देखो क्या समझा रहे हैं। देखो लड्डू खाते हैं तो उसके स्वाद का ज्ञान होता है, क्यों? जीव का स्वभाव जानने का है, इसलिए उसके स्वाद का हमके ज्ञानी हुआ। वास्तव में स्वाद का ज्ञान होता है, परंतु लड्डू का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं कर जाता। लड्डू का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं कर जाता। लड्डू मीठा होता है कि तीखा होता है? मीठा होता है। यदि लड्डू का मीठा स्वाद ज्ञान में प्रवेश कर जाए तो क्या होगा? ज्ञान मीठा होगा। अच्छा, ज्ञान मीठा हो गया। अब ज्ञान मीठा हो गया, फिर आपने नमकीन खाया, फिर वो तो मीठा है तो नमकीन का स्वाद कैसे आएगा उसे? अरे कुछ नहीं हुआ। वहां दर्पण के सामने मोर खड़ा हुआ, नीला पीला हरा सब दिख रहा है। अब बाद में कौवा आया, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मोर अपना तोता आया, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो उस समय लग रहा है कि वैसा हो रहा है। मोर हटा तो वापस वो सच का स्वच्छ है। ऐसे ही ज्ञान में जिस समय लड्डू हम खा रहे हैं, संपर्क में आया है वस्तु और ज्ञान हमारा, ये संपर्क में आया उस समय उस मीठेपने का ज्ञान हो रहा है, और हमें लग रहा है कि उसका स्वाद हमारे अंदर आ रहा है, जबकि सिर्फ उसका ज्ञान हो रहा है, स्वाद आया ही नहीं ज्ञान में। स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं कर जाता, क्योंकि लड्डू का स्वाद तो जड़ है, रूपी है, और भगवान आत्मा चैतन्य में अरूपी है। इस अरूपी में रूप का प्रवेश कैसे हो? ये दृष्टांत। उसी तरह कर्म का उदय जड़ है, उस जड़ के स्वाद को ज्ञान जानता है। उदय जो आया है मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति इत्यादि, ज्ञान जानता है, परंतु अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं है। इस कारण जड़ के स्वाद का ज्ञान में ख्याल आते ही वह ऐसा मान लेता है, मुझे जड़ कर्म का स्वाद आया है,
ऐसा मानकर वह मिथ्यात्व का सेवन करता है। माने मैं मिथ्या दृष्टि हो गया, मैं क्रोधी हो गया, ये एक में एक मानने से अज्ञानपना होता है। कर्म का उदय आने पर जो मिथ्यात्वादी का स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्वादी अजीव है और उसके निमित्त से जीव उल्टी मान्यता रूप परिणमित होता है, वह जीव का परिणाम। अभी मुख्य रूप से ये समझाना है, लेकिन साथ में जयचंद जी छाबड़ा ने और भेद विज्ञान भी करा दिया। हम भी अपने में होने वाले विकारी भावों को अपने से भिन्न जानते हुए ज्ञान स्वभाव अपना अनुभव करे, इसी मंगल भावना के साथ आज की चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार। वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गहे सुपावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।